तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं एक भाई हमारे यहाँ पर लेटे हुए हैं, हमने लगेज भी रखा हुआ है, सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है, अंदर बैग्स भी रखे हुए हैं, और ये देखिए एक भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे की सीट भी खाली नहीं है, यहाँ भी बैठे हुए हैं, राइट। तो एक दो तीन आपने देख लिया, और अगर मैं ड्राइव करने के लिए बैठ जाता हूँ या कोई और, तो देखिए कितना इजीली हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब ये ड्राइवर सीट है, इस पर मैं बैठ जाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको रोड पे हम अपने सामान के साथ जब जा रहे हैं तब कैसे अपनी कार को हम एक बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने जब भी अपने दो वीडियो इस तरह के डाले हैं तो उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास कितना सामान है और मैंने सामान को कैसे एडजस्ट किया है, तो अपने लगेज को मैं किस तरह से एडजस्ट करता हूँ, कहाँ रखता हूँ, क्या करता हूँ, और फिर बेड कैसे बना पाता हूँ, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरे साथ आए हैं देवित वर्धन, और हम दोनों आज रोड पे निकल आए हैं, तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। किसी जगह पे एक जगह पार्किंग में लगा के या घर में गाड़ी खड़ी करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम बेसिकली आपको रोड पे निकले हुए हैं, और रोड पे देखिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि आज हम अपनी इस गाड़ी को कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं एक बेड में, और साथ में जब लगेज भी हो तो लगेज कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे देखिए पीछे हमारा लगेज वगैरह रखा हुआ है, तो अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, गाड़ी को हम सड़क किनारे लगाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसमें एक दो तीन सामान रखे हुए हैं, और हम इसमें दो तीन चार लोग कैसे सफर कर सकते हैं, तो मैं ये दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम हमारे लगेज को बाहर करते, क्योंकि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें आपको मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं इसमें कितना लगेज लेके चल पाता हूँ, कितने लगेज जा पाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर तीन लोग जाते हैं कहीं भी तो हमारे पास ये तीन लगेज हैं, जिसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो राइट किस तरह से अगर हम तीन या चार दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो गाड़ी में ही अपना सामान रख सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़ा पास आ जाइए भैया, ये आपको मालूम ही है, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं कि यहाँ नीचे मैंने किचन का सेटअप बनाया हुआ कि कहाँ हमें रखना है सामान, तो इसमें बहुत सारा स्पेस है जिसमें हम और भी अपना सामान रख पाते हैं, राइट। तो ये सारा वो सेटअप हमने बना रखा है यहाँ पर। अब मैं आपको इसको बेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ। एक बैग ये भी है, ये देखिए तीन लगेज है, एक बैग है कंप्लीट इसमें, ये इधर आ जाइए सर, ये देखिए कैसे करना है, ये देखिए हमने इसको सीट को किया आगे, यहाँ तक आ गई, और इस सीट को हम भी इसको यू फोल्ड किया और ये भी ले ली हमने आगे, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और अब हम इसको खोलेंगे यहाँ तक और एडजस्ट करेंगे कि इसकी हाइट कितनी रखना है, तो राइट एक ये हो गया यहाँ पर, और पीछे से थोड़ा सा पीछे कीजिए, सेम इस तरफ भी हम इसी तरह से इसको एडजस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और अब आपको हम इसमें गद्दे बिछा करके दिखाते हैं कि हम अपना बिस्तर इसमें कैसे बनाते हैं। राइट। तो एक तो देवित आओ बेटा, एक बार लेट के दिखाओ, चलो वहाँ पीछे जाओ बेटा, तरफ से चढ़ना। यस, ये शूज मुझे दीजिए, ये जूते हम यहां रख देते हैं। चलिए
तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि अगर हम कहीं जाते हैं बाहर और अगर लेटना है तो तीन लोग भी यहाँ पे, दो बड़े और एक बच्चा, और बड़े आराम से दो बड़े कभी भी इसमें सो सकते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो राइट, इसमें तीन लोग बहुत आसानी से सो सकते हैं। अगर एक ड्राइव भी कर रहा है लगातार तो भी बन सकती है बात। तो दोस्तों आपने ये मेरा एक सेटअप देखा कि किस तरह से हम इसमें जा पाते हैं, तीनों लोग सो पाते हैं, और वो उस कंडीशन में जो हमारा सामान बाहर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो, यार सामान बाहर रख के सोएगा क्या? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो अब आप उसे बड़े ध्यान से देखते जाइए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बिना आपके सपोर्ट के हम ये जो जुगाड़े बनाते हैं इन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हैं। को रख कर के भी कैसे चल सकते हैं, साथ में धीमे अपना कैप रखिए। आइए इधर आ जाइए। आइए पूरा लेते जाइए। देवी इसको आगे रखो बेटा, ये लो। इसको भी उठा के रखता हूँ। आइए इस तरफ से ले लीजिए। अब आप ये देखिए कि हमने अपने लगेज जो हैं वो तीनों यहां रख लिए हैं। ये देखिए, एक दो तीन, और हमारा गद्दा भी लग गया है। और हम फिर से, जैसे पहले हम तीन लोग यहाँ पर सोए थे, तो उसी तरह से हम फिर से सो सकते हैं। और ये जो बैग आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ, इस बैग को तो हम देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बैग मैंने यहाँ रख दिया, और अभी भी इसमें इतना स्पेस बचा हुआ कि अगर मैं चाहूँ तो और भी बैग इसमें रख सकता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो काफी सामान आ सकता है। इस तरफ वाला भी ये खाली पड़ा हुआ कैबिनेट हम इसमें भी रख सकते हैं, इस ड्रॉअर में भी। अब हम वापस इसको लगा देते हैं जैसे हमने इसे निकाला था वैसे ही। और वापस अपना गद्दा फिर बिछा देते हैं। ये देखिए, हम बड़े इजीली तीन हमने इसमें लगेज रखे हुए हैं, अटैचीज रखे हुए हैं, जिसमें आप अपने रोज़मर्रा के कपड़े आप अपने साथ रख के चलेंगे। एक बैग है, और यदि आपको अपना किचन अपने साथ कैरी करना है तो राइट, स्टोव और सिलेंडर इसमें कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बॉक्स रख सकते हैं जिसमें आप जो भी खाना, जैसे मैगी है, सूप है, पानी है, या कुछ और भी दाल चावल जैसी चीज़ें आप बॉक्स में आप यहां पर रख सकते हैं। और ये देखिए, आगे की दोनों सीट्स अभी खाली हैं, ड्राइवर ड्राइव कर सकता है, एक व्यक्ति, एक बंदा यहां पर बैठ सकता है। अब आपके फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि यार अगर मान लो एक ड्राइव कर रहा है, एक आगे बैठा है, एक बंदे को सोना है और एक को बैठ के जाना है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, वो हम कैसे करेंगे, आइए। अब ये देखिए, अब हमने इसको पीछे किया, इस लगेज को हमने बाहर निकाला,
इस सीट को अब हम ऊपर उठा देंगे और इस लगेज को हम, आइए पीछे से बनाते जाइएगा आप, इस लगेज को हम पहुंचा देंगे पीछे। दोस्तों अब आपने देखा कैसे हमने जगह बना दी इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं एक भाई हमारे यहाँ पर लेटे हुए हैं, हमने लगेज भी रखा हुआ है, सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है, अंदर बैग्स भी रखे हुए हैं और ये देखिए एक भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, और इतना ही नहीं आगे की सीट भी खाली नहीं है, यहाँ भी बैठे हुए हैं, राइट। तो एक दो तीन आपने देख लिया, और अगर मैं ड्राइव करने के लिए बैठ जाता हूँ या कोई और, तो देखिए कितना इजीली हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब ये ड्राइवर सीट है, इस पर मैं बैठ जाता हूँ। यस फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ देवित वर्धन है और मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया हूँ, और एक भाई, भाई आप जो लेटे हुए हैं वो भी अपना हाथ हिला दीजिए जरा, ये देखिए। तो हम टोटल इस वक्त इसमें चार लोग हैं और बड़े आराम से, आपको बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं बिल्कुल भी, आपको लेटने में भी नहीं, और दिव्य आप भी आराम से बैठे हैं। तो देख रहे हैं आप, अब हम कहीं भी सेटअप के साथ चार पांच दिन की ट्रिप तो छोड़िए महीने भर की ट्रिप पे भी जा सकते हैं। बस दो लोगों को अगर ड्राइव करना आता है तो एक एक बारी बारी से चला सकते हो, चारों को चलाने आता है फिर तो क्या कहने, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, कई मेरे पास क्वेश्चंस आते थे कि आप कैसे इस गाड़ी में सामान रखते हैं, कितने लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे ये पॉसिबल है इस कार में। और जहाँ तक सवाल आता है मैंने आर्टिका क्यों चूज़ की, तो ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो बहुत जल्दी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लद्दाख जाने के लिए तो प्लीज़ आ जाइए। ये मेरा सेटअप आपने देख लिया, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, तो हम प्लान कर सकते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। बेसिकली मैं, हम दो लोग हैं, मैं और दिवेत हैं, तो दो लोगों की सीट खाली है, आप दो लोग कोई भी आ सकते हैं, कोई भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वो चल सकते हैं। तो दोस्तों लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको कैसे और भी जुगाड़ आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे कि आप अपनी गाड़ी को कैसे और उपयोगी बना सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को कैसे कन्वर्ट किया, अब आप इसको समझ गए। आप भी अगर चाहें तो इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की एडवाइस तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सकते हो कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी सलाह चाहिए, तो राइट आप बेझिझक बेतकल्लुफी से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है रूप सिंह जी, रूप सिंह जी अपने बारे में बताइए। बस बढ़िया जी, हाय। तो ये रूप सिंह हैं जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की, और भाई साहब आप भी अपना परिचय दे दीजिए। सुंदर सर, ये हैं सुंदर। तो देखिए सुंदर, रूप सिंह जी और दिवित वर्धन, और मुझे आप जानते हैं यश वर्धन, तो इन सभी भाइयों ने मिल करके इस वीडियो को कम्प्लीट करने में मेरी मदद की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बिना आपके सपोर्ट के हम ये जो जुगाड़े बनाते हैं इन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारे पास एक मीडियम है जिस पर कि हम दिखाएं कि हम किस तरह से इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, आप अपने एक नॉर्मल कार को भी एक कैंपर कार में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।